आज मैं आपको मीराबाई के दो प्रमुख दोहों की व्याख्या बताने जा रही हूँ। मीराबाई मध्यकालीन कृष्ण भक्ति काव्यधारा की श्रेष्ठ कवित्री मानी जाती हैं। मीराबाई का जन्म राजस्थान में मेड़ता के पास कुड़की नामक स्थान पर 1498 में हुआ था। मीराबाई जोधपुर के महाराजा रावरत्न सिंह की पुत्री और उदयपुर के राजा भोजराज की पत्नी थी। मीराबाई में बचपन से ही कृष्ण भक्ति की प्रवृत्ति थी। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, बहुत सारे पद लिखे हैं, जिनमें से मुख्य रूप से राग गोविंद, मीरा की पदावली आदि माने जाते हैं। मीराबाई की काव्य भाषा राजस्थानी, गुजराती और ब्रज मिश्रित है। मीराबाई ने कृष्ण को हमेशा अपना प्रियतम और कभी अपना सखा, कभी अपना मित्र माना है। मीराबाई कहती हैं, महारारी गिरधर गोपाल दूसरा ना कोया, दूसरा ना कोवा साधा सकल लोक जोया, भाया छाड़िया बंधा छाड़िया संगा सुया, साधा संग बैठ बैठ लोक लाज खोया, भगत देख्या राजी हिया जगत देख्या रोया, असवा जल सींच सींच प्रेम बल बोया, राणा विश्व प्याला भेजिया पिय मगन होया, अब तो बात फैल पड़िया जगन सब कोया, मीरारी लगन लाग्या होन हुजो होया। इस पद की व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। मीराबाई हमेशा से ही कृष्ण को अपना प्रियतम, सखा, मित्र सब कुछ मानती हैं और यहाँ पर कहती हैं, मेरे लिए इस संसार में गिरधर गोपाल श्री कृष्ण के सिवाय और कोई नहीं है। मैंने तो सारे संसार में भ्रमण कर आभास कर लिया है कि श्री कृष्ण ही मेरा सर्वस्व हैं। मेरे भाई, बंधु, संबंधी, रिश्तेदार सब त्याग दिए। साधु के सत्संग व उनकी टोली में मिल जाने के कारण दुनिया उन्हें अपमानित व निंदित करने लगी थी। लोक लाज तज कर भरी खुली जगह भजन करते, नाचते गाते अपनी भक्ति में बावली दीवानी हो गई थी। भक्तों की भक्ति से तो प्रसन्न, किंतु उनके आडंबर से दुखी हैं। सबके परिहास व निंदा का पात्र बन गई हैं। श्री कृष्ण के दर्शन के लिए लालायित, बेचैन, उनके विरह में रुदन करते करते अश्रुधारा से, अपने आंसुओं से अपने प्रेम रूपी बेल को पाल रही हैं। अपने आंसुओं से अपने कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को सींच रही हैं, उसको पाल रही हैं। देवर राणा विक्रमादित्य ने उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा है, जिसे खुशी खुशी पीकर भक्ति में मगन हो गई हैं। ये विश्वास है कि कृष्ण उन्हें बचा लेंगे। वो सबका ध्यान रखते हैं, वो सर्वव्यापी हैं। अब तो संसार भर में यह बात फैल गई है, सब लोग इस बात से परिचित हो गए हैं कि मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में बावली हो गई हैं, पागल हो गई हैं, दीवानी हो गई हैं। अब तो यह लगन छूटे ना छूटेगी। अब तो जो कुछ होना है हो जाने दो, इस बात की उन्हें कोई चिंता नहीं है। वो सिर्फ कृष्ण की प्रेम में दीवानी हैं और उसी दीवानेपन में ही रहना चाहती हैं। प्रस्तुत पदावली में अपनी कृष्ण भक्ति का मीरा जी ने अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मीराबाई सांसारिक लोकाचार को त्याग कर भक्ति में लीन हो जाने की, मगन हो जाने की बात कहती हैं। मीराबाई के मुख्य पदों में से आज का दूसरा पद कुछ इस प्रकार से है। भज मन चरण कवल अविनाशी, जे तई दीसा धरणी गगन मा ते तई उठ जासी, तीरथ बरता ज्ञान कथनता कहाँ लया करवत कासी, याद हीरो गर्भ न करना माटी माँ मिल जासी, यूं संसार चेहरे रिबाजी सांझ पड़िया उठ जासी, कहाँ भया था भगवा पहरिया घर तज लया सन्यासी, जोगी होए जुगत न जाना उलट जन्म राफासी, अरज करस अबला श्याम तुम्हारी दासी, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर काटे महारी गासी। इस पद की व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। मीराबाई लोकाचार की व्यर्थता के बारे में बताते हुए कहती हैं कि हे मन,
तू अविनाशी है, तू अजर है, तू अमर है। भगवान श्री कृष्ण के श्वेत कमल रूपी चरणों में बस जा, बस वहीं लग जा। इस धरा गगन में सब कुछ नश्वरीय है, इस संसार में सब कुछ नश्वर है, अर्थात संपूर्ण संसार मिथ्या है, सिर्फ मिथ्या है। तीर्थ यात्रा, कीर्तन, भजन, पूजन, पाठ सब कुछ अर्थहीन है। इस देह की कोई महत्ता नहीं है, एक ना एक दिन इसे मिट्टी में जाकर मिलना ही है। फिर इस शरीर पर इतना गर्व क्यों, इतना घमंड क्यों? सारी दुनिया ही चार पहर की है, सिर्फ चार पहर। सांझ चलते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। उनके अनुसार घर बंधन त्याग कर भगवा वस्त्र पहनकर कोई संत नहीं बन जाता। जब तक मानव ईश्वर प्राप्ति हेतु भगवत भक्ति का सही मार्ग नहीं अपनाता, तब तक उसे 84 लाख योनियों से भटकना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मृत्यु देखनी पड़ती है। मीराबाई करबद्ध प्रार्थना करती हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं, हे गिरधर नागर, तुम ही हो जो इस अबला दासी को सारे बंधनों से मुक्त कर सकते हो, सही रास्ता दिखा सकते हो। तुम ही इस भव्य रूपी संसार सागर से पार कराकर इस दासी को मुक्ति प्रदान कर सकते हो, मुक्ति दिला सकते हो। इस पदावली में मीराबाई सांसारिक नश्वरता को प्रस्तुत करते हुए अपने भगवान श्री कृष्ण से बड़ी विनम्रता से मुक्ति की याचना करती हैं, मुक्ति की प्रार्थना करती हैं कि उन्हें सही रास्ता दिखा दे प्रभु, और इस माया से, इस संसार से मुक्ति दिला दे भगवान। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। आपके सुझावों का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।